वीर शहीद हमारे वीर शहीद हमारे भारत माता की जय भारत माता की जय। अमर जवान ज्योत एवं जयपुर कमिश्नरेट निकट स्थित 1971 युद्ध स्थल पर जयपुर के नागरिकों द्वारा जम्मू कश्मीर में बलिदान देने वाले सैन्य एवं पुलिस अधिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा एवं नमन कार्यक्रम रखा गया। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति एवं समाज सेवी सरिता मित्तल द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के नागरिक, महिला, बच्चे एवं भूतपूर्व सैनिकों ने भारत माता के लिए बलिदान देने वाले रणपा करो को श्रद्धा सुमन चढ़ते हुए 2 मिनट का मौन रखा एवं प्रार्थना सभा रखी गई। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग में आतंकियों से सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकाबला करते हुए भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भट्ट वीरगति को प्राप्त हो गए। भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत बताया कि उग्रवादियों द्वारा छुपकर वार करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं कायराना कार्य बताते हुए सैनिकों की बहादुरी एवं बलिदान पर गर्व की अनुभूति बताया। उनके सम्मान में हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा एवं मौन रखा गया। कर्नल ने बताया कि अब उग्रवाद के स्रोत को खत्म करने के लिए POK के भारत में विलय करने में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए एवं पाकिस्तान में स्थित हर उसे उग्रवादी स्रोत पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उग्रवाद से जुड़े हर ठिकाने को बर्बाद करने की जरूरत पर जोर दिया। श्रद्धांजलि एवं मौन सभा के उपरांत मौजूद युवाओं द्वारा भारत माता की जय एवं भारतीय सेवा जिंदाबाद के नारों से जयपुर महक उठा। कार्यक्रम में इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के प्रदेश युवा अध्यक्ष करतार सिंह गुर्जर, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश, समाज सेवी राज कुलदीप जी एवं सरिता मित्तल समेत शहर की बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। बड़ी संख्या में आए नागरिकों ने एक स्वर में भारतीय सरकार को पाकिस्तान की हरकत का बदला लेने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया।